राजस्थान के धौलपुर में लगे कर्फ्यू से ड्यूटी कर घर लौट रहे कांस्टेबल को घर से बाजार जाते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से घायल हुए कांस्टेबल को मौके पर मौजूद लोगों की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार रात को हुए हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल कांस्टेबल ने बताया, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक उसकी ड्यूटी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सागरपाड़ा क्षेत्र में लगाए गए कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में थी। ड्यूटी खत्म करने के बाद कांस्टेबल अपने घर लौट गया। घायल ने बताया कि घर पर खाना खाने के बाद वह बच्चों के लिए दूध लेने बाइक से बाजार की ओर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में रेल की पटरी के पास 2 से 3 बाइक खड़ी मिली, जिन बाइकों के पास आधा दर्जन से अधिक लोग खड़े हुए थे। इस बीच कांस्टेबल ने रास्ते में खड़े हुए लोगों को लॉकडाउन तोड़ने का उल्हाना दिया, जिस पर बाइक सवारों ने कांस्टेबल से गाली गलौज शुरू कर दी। कांस्टेबल अपनी बाइक लेकर आगे चला। घायल ने बताया, इसी बीच पीछे से 2 बाइक युवक उसके पास पहुंचे, जहां शास्त्री नगर गली के पास उन्होंने कांस्टेबल को गोली मार दी, जो उसकी कलाई पर जा लगी। घटना के दौरान मौके पर मौजूद युवक की सहायता ने घायल कांस्टेबल को इलाज के लिए चिकित्सालय लाया गया। मामले की सूचना मिलते ही देर रात को COCT देवी सहाय मीना मौके पर पहुंच गए। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस ने कई जगह दाबिश करवाई है, लेकिन आरोपी पुलिस के हत्थे अभी तक नहीं चढ़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़ इंडिया। कर्फ्यू क्षेत्र में मैं यहाँ से ड्यूटी ऑफ हुई, शाम को मेरा सुबह 8 से 8 ड्यूटी चल रही थी। 8 बजे मैं यहाँ से गया था रूम पे नहा धोई करके, मैं जा रहा था पुलिस लाइन की तरफ। मेरी बहन जी रहती है वहाँ पे, उनके बच्चों को दूध लेने के लिए। फिर दूध दे के वापस हम पुलिस लाइन से लौट रहा था रेलवे क्रॉसिंग की साइड, शारदे स्कूल के पास में 4-5 मोटरसाइकिल खड़ी थी वहाँ बाइक। मैंने कि भाई क्यों खड़े हो, वो लॉकडाउन चल रहा है, मैं घर चल जाओ। अरे तू कौन होता है, मेरे से वो गाली गलौज करने लगे। मैंने चलो कोई बात नहीं, मैं वहाँ से मोटरसाइकिल लेके आ गया था मेरी। उन्होंने मेरे पीछे आते जैसे मैं मेरी कॉलोनी के लिए घुसा था, पीछे से उन्होंने मेरे पास मोटरसाइकिल आगे निकाल के मेरे गोली चला दी। उन्होंने कोई पहचान हो पाई, कोई लोग मेरे पहचान नहीं हो पाई, 3-4 आदमी थे वो, 2 भाई थे।